हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एक्सरसाइज 6.3। ये अभी जब मैंने कल दो थ्योरम और कराई थी, दो पहले कराई जाने, चार थ्योरम्स करा दें। अभी इससे पहले एक पांचवी थ्योरम और है, तो वो भी आपके पास आ जाएगी इससे पहले। और इसके साथ साथ मैं ये कोई एक्सरसाइज ले लेता हूँ। तो हमने ये देखा है कि भाई जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं कि उसमें ऑल द एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ट्रायंगल सिमिलर होती है। तो इसके बारे में हमने की थी। इसमें एक नई आएगी तो थ्योरम उसके बारे में बता देता हूं मैं। वो ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर टू साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ये साइड यानी ए बी सी डी ई है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी ई, यानी ये दो साइड ये डिवाइडेड बाई दिस, दिस बाई दिस, और ये एंगल बीच का एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, तो दो साइड प्रोपोर्शनल है, उनके साइड्स के है ना, वो उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो ये हमारी थर्ड थ्योरम है। तो ये मैं प्रूफ तो अलग से करके दिखाऊंगा, लेकिन हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन करने। तो अब मैं कुछ एक क्वेश्चन बताता हूँ। अब नीचे कुछ ट्रायंगल्स दे रखी हैं, तो एंगल्स के बारे में आपने ये बताना है कि भाई ये सिमिलर है या नहीं है। जैसे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसमें हमें एक ही चीज देखना है, 60, 80, 40। ये भी है 60, 80, 40। तो इसमें ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। हम कहेंगे अगर इसके नाम लिखे हुए ए बी सी डी ई एफ, हम लिखेंगे ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों सिमिलर है लिखना है, एंगल एंगल एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, ये एंगल 60 ये भी 60, ये 80 ये भी 80, ये 40 ये, तीनों एंगल इक्वल है ना कोरस्पोंडिंग, तो हम कहेंगे वो सिमिलर होते हैं। तो तीन एंगल या इक्वल हो जाए या तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाए, कोई सी भी बात हो जाए, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। एक मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला है, इसमें ये दे रखा है ए बी सी, ये है 2.5 और ये है 80 और ये है 3। एक ट्रायंगल ये है, इसमें दे रखा है ये तो है 80 और ये है 6 और ये है 5, तो क्या ये सिमिलर है या नहीं, डी ई है। देखो भाई, अभी जो लास्ट में मैंने थ्योरम बताई थी उसमें ये कहा था टू साइड्स इक्वल हो, मतलब प्रोपोर्शनल हो, और उनके बीच का एंगल होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। अब हमने देखा कि ये साइड प्रोपोर्शनल करेंगे हम, तो ये करेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 5, 1/2 आ गया, 3/6 ये भी 1/2 आ गया, तो प्रोपोर्शनल है, एंगल भी 80 का है, एक 80 का है, ये तो सिमिलर होने चाहिए, लेकिन सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसमें तो साइड दे रखी है ना, ये वो नहीं दे रखी जो एंगल बनाती है, एंगल तो ये साइड और ये साइड बनाती है, तो ये देनी चाहिए। अगर ये 3 यहाँ पे होता तो हम कह देते प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये तो 3 तो तीसरी साइड है, ये तो पता ही नहीं क्या है, तो क्योंकि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दोनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इसके साथ एंगल इक्वल होना चाहिए, तो एंगल तो इक्वल दे रखा है, चलो हमने ये कर लिया कि भाई इसको घुमा के इधर रख दिया, एंगल ठीक है, लेकिन साइडों में फर्क है, एंगल के बनाने वाली साइड होनी चाहिए, इसमें वो नहीं है। हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर नहीं है इसलिए हमने नोट लिख लिया। तो ये हमने परफेक्ट लेना है, या तो तीनों एंगल प्रोपोर्शनल, तीनों एंगल जो इक्वल हो कोरस्पोंडिंग एंगल, या साइड्स प्रोपोर्शनल हो, या फिर टू साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल, तीन स्थिति में हमने सिमिलर करना है। कई बार ये होता है कि तीन की बजाय दो ही एंगल इक्वल दे देते हैं तो भी वो सिमिलर है, क्योंकि जब तीसरा तो तीनों का सम तो 180 होता है, अब दो एंगल हो गए मान लो 60-80 नहीं दे रखा, दे रखिए तो ये 60 का है, ये 80 का है, इसमें 60 का 80 का है, इक्वल हो गए, तीसरे का पता ही नहीं, तीसरे हम निकाल सकते हैं 140 हो गए दोनों का एड, और ये कितना होता है ट्रायंगल का सम 180, तो 40 का अपने आप बच गया, ये भी अपने आप 40 का ही बचेगा ऐड करेंगे, तो तीसरा तो इक्वल आ ही गया, तो दो ही एंगल इक्वल हो तो भी सिमिलर हो जाती है, उसको फिर हम लिखते हैं एंगल एंगल सिमिलर, दो एंगल इक्वल है एंगल एंगल सिमिलर। तो ये तो आपका पहला था, उसमें कई ट्रायंगल्स दे रखे हैं, उनको सारियों को आपने करके देखना है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं
इन फिगर ट्रेंगल ओडीसी सिमिलर होगी ये ट्रेंगल ओडीसी सिमिलर ट्रेंगल ओबीए और एंगल बीओसी दे रखा है 125 डिग्री। तो देखो ये लिस्ट लाइन दे रखी है, इसमें इस प्रकार से दे रखा है, ये ओ है, ये 125 है, ये ओ पॉइंट है, ये 70 है, बस दो ही दे रखते हैं। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है, तो आपने बताना है डी ओ सी डी सी ओ ओ ए बी, ये तीन चीजें बतानी है। तो कोई बात नहीं, हम इसमें पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, ओ डी सी सिमिलर ओ बी ए, ओ डी सी ओ बी ए या ओ ए ओ ए बी, ये ट्रायंगल। अब हमें देखो ये पता है, इसको एंगल को हम वन मान लेते हैं, एंगल वन प्लस 125 इक्वल टू 180 लीनियर दिया भाई, ये लाइन है, इसके एंगल 180 के होते हैं, ये 125 का है प्लस 1, दोनों मिला के 180 आना चाहिए, एंगल 1 कितना का है, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे 55 डिग्री, कितना आया 55 डिग्री। अब ये आ गया 55, अब ट्रायंगल का एंगल सम होता है 180, तो दो दे रखे हैं, तीसरा निकाल देंगे, इसको 2 लिख लेंगे, हम कहेंगे एंगल 2 प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 के होते हैं, तो 2 आ जाएगा, 180 माइनस 125, इनको जोड़ेंगे 125 उधर जाएगा माइनस का 55 डिग्री, ये भी कितने का बचेगा 55, तीनों एंगल आ गए। अब ये जो है ये दे रखी है प्रोपोर्शनल नहीं सिमिलर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए गिवन। अब आपने ये जरा ध्यान रखना है कि जो ओ डी सी और ओ बी ए, ओ एंगल वाला ओ के बराबर आएगा, डी वाला डी के बराबर, बी के बराबर आएगा, सी वाला ए के बराबर आएगा, ओ पे कौन सा एंगल है 55, तो ये भी कितने का आएगा 55, therefore angle AOB is equal to 55 degree। दूसरा पूछ रखा है OAB पूछ रखा है, OAB ये पूछ रखा है, ये वाला ये पूछ रखा है OAB, तो इसकी बजाय हम एंगल OAB निकालेंगे, OAB A के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो ए यहाँ पे लास्ट में है, इसमें तो इसमें सी लास्ट में है, तो सी वाला ए के बराबर आएगा, एंगल सी पे 55 डिग्री। दूसरा पूछ रखा है डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, ओ बीच में है तो ओ वाला एंगल डी ओ सी, ये एंगल 55 का हम निकाल ही चुके हैं, 55 का हो गया ना, ये हम निकाल चुके हैं, और डी सी ओ, डी सी ओ ये भी हम निकाल चुके हैं, यानी कि देंगे ये 55 डिग्री और एंगल बी सी ओ ये 55 डिग्री और ओ ए भी 55 डिग्री, तो तीनों एंगल ऐसे निकालेंगे। तो एक इसके बाद है अगला थर्ड क्वेश्चन, तो पांच आप कर लेना, इसके पांच क्वेश्चन एक आध में और बता देता हूँ, जैसे फोर्थ और सिक्स्थ और बता देता हूँ दो क्वेश्चन, फिर भी आप कर लेना। फोर्थ है इन फिगर 6.36, ये फिगर दे रखी है, ये बना देता हूं पहले, पी क्यू आर पी क्यू आर, इसको आगे बढ़ा दिया टी तक और इसको आगे बढ़ा दिया, इसको हमने कर लिया, इसको मिला दिया ऐसे और इसको यहां मिला दिया, ये मिला दिया एस तक, ये एंगल है टू, यहां पे टू लिखा हुआ है और ये एंगल है वन। अब इसमें लिख रखा है इन फिगर क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो आपने प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, पहले तो देखो इसको पी क्यू एस टी क्यू आर, देखिए पी क्यू एस टी क्यू
बार, यानी कि एक तो ये छोटी वाली ट्रायंगल और एक ये बड़ी बार, इनको सिमिलर करके बताना है, ठीक है। तो सिमिलर तो तब होंगे, या तो भाई दो साइड और बीच का एंगल इक्वल तभी आएगा। हमें ये पता है इसने रखा क्यू आर, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, ये वाला इजिकल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू। देखो ये ट्रायंगल होती है, ये साइड है क्यू आर, ये साइड है क्यू टी, ये प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये दे रखा है क्यू पी बाई क्यू टी इजिकल टू क्यू एस बाई क्यू आर, प्रोपोर्शनल दे रखी है, और एंगल दोनों में एक ही है इस इसके ट्रायंगल के भी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि किसी ट्रायंगल में इफ इन ए ट्रायंगल ए लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन इक्वल प्रोपोर्शंस देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो पहली बात तो ये है कि ये जो साइड है ये पैरेलल है थर्ड साइड, तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। अब हमने ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर निकालना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर, इनको हमने पी क्यू एस और टी क्यू आर को प्रोपोर्शनल करना है। दे रखा है ये क्यू क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई पी आर दे रखा है, बस ये बात ध्यान रखनी है। हमने पी क्यू तो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्यू टी बाई क्यू पी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसने दे रखा है QT तो दे दिया लेकिन PR दे दिया। अब हमने क्या करना है, PR को PQ के बराबर करना है। पहले लिखिए इन ट्रायंगल QPR, QPR दो एंगल इक्वल है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। इसके सामने की देखिए ट्रायंगल दी है, ये एंगल इसके बराबर है, इसके सामने की साइड ये है, इसके सामने की साइड ये है, तो हम यहाँ पे क्या पी आर की जगह क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर की जगह पी क्यू लिख देंगे। अब हमारी ठीक बन गई, क्यू टी बाई क्यू टी, क्यू आर बाई क्यू एस, प्रोपोर्शनल होगी साइड और एंगल वन दोनों में, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी लगता है ये और इस ट्रायंगल में भी लगता है, दोनों इक्वल है। तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई और बीच का कोण इक्वल हो गया। तो ये हमने आज की थ्योरम थी, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल क्यू टी, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली, ये प्रोपोर्शनल ना ये सिमिलर। तो इस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट लेता हूं मैं, सिक्स इन फिगर 6.37 ट्रायंगल ए बी ई क्रॉस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो अब देखते हैं ये फिगर दी गई है, इसमें ये वाली ये है ए डी ई बी सी और ये लगाया हुआ है। आपने दो ट्रायंगल बतानी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, भाई इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल आएंगी, ये साइड इसके बराबर आएगी, डी डी सी ए डी सी बी को छोड़ो, ए डी ए रखा है, ए डी इज इक्वल टू ए बी, तो हम ए डी को ये ए बी है ये ए डी है डिवाइड कर दो, ये टू ये वन है ये टू है, डिवाइड टू इक्वेशन है ये बाई वन, दो इक्वेशन को एक से डिवाइड कर दो, इधर वाला इधर डिवाइड होगा, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी बाई ए बी ए बाई ए सी ए बाई ए सी ऐसे ए डी बाई ए बी ए बाई ए सी, यानी ए डी बाई ए बी ए बाई ए सी, और एंगल ए दोनों में आता है, ये तो प्रोपोर्शनल होगी ना, दिस
बाई दिस दिस बाई दिस, और उन दोनों को जो बनाने वाली साइड है उनका एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों में ही आता है, छोटी में भी आता है बड़ी में भी आता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमा। यही थ्योरम आज वाली है जो आज हमने अभी कराई है, तो वो एंगल ए, तो दोनों दो साइड प्रोपोर्शनल, बीच का एंगल इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया नंबर सिक्स। अब क्वेश्चन नंबर, चलो ये कल कर लेना, यहां तक कर लेना, क्योंकि एक थ्योरम भी है।